देखो ये भी लड़का बना रहा है मुझे देखो क्या लिए तो खाना वगैरह हो गया आप अब यहाँ से निकलना है हंस स्टॉप रुकना नहीं है भाई एक साथ मारना है खाली 10 बज रहे और अभी हम क्या ये महबूब नगर पार करें नॉन स्टॉप यहाँ से मैसूर तक न रुकना है कंटिन्यूसली मारना है बड़े लोग हैं तो सो जाते हैं चलाने वाले ड्राइवर हैं खाली देख 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 करना है कहाँ तक मारना है सीधा डायरेक्ट यहाँ से कैमरा पहुँचे तो बेहतर रहता मेरे ख्याल में असला तो चलिए चलते हैं यहाँ से निकलते हैं अरे ड्राइवर कहाँ है अरे ड्राइवर सलाम अलैकुम ड्राइवर आ गया असली कहाँ है रास्ते में रुके थे हम लोग रुके जरा चाय वाय पी लिए नहीं बता भाई रात के 12 बज रहे अब यहाँ से गाड़ी निकलने वाली है तो कहीं नहीं रुकने वाली है इंशाल्लाह अब तक डिनर बोल के रुक गया ये बंदा भाई जब से 4 बार रुका दिया क्या बोले तो भाई यूं यूं कर ऐसा कर यार सब भाई दम कर दे रहा ओपन अब आप यहाँ से अब बैंगलोर तक आपको नहीं रुकने वाली है गाड़ी फिर मैं इसका बैंगलोर यहाँ से 400 किलोमीटर है भाई 400 है 350 है 365 किलोमीटर भाई टारगेट कॉम्प्लेक्स का देखो सामने गाड़ी जा रही है आप लोग घर के पास कचरा कर दिया आपने कचरा काम वाली भी नहीं आती है बाहर के नज़ारे देख लो आप लोग बेहतरीन आरटीओ स्टॉप पे है ये रात को ठहरा रहा था शायद जी भाई बोलिए मैं व्यूवर्स को ये बोलना चाह रहा हूँ आप लोग मेरे वॉशरूम को भी रोकते मेरे को खाने नहीं दे रहे पीने नहीं दे रहे मैं क्या करूँ मैं मर जाऊँ मेरी कोई फीलिंग मर जा अरे मर जाओ बोल दे रहे देख तेरी हाय खैर अब अगर आया आपको काम उसी से बॉटल में कर लेना है और गाड़ी तो नहीं रुकने वाली है फिर यहाँ पे रुके हुए है कहाँ पर रुके यार पेट्रोल पेट्रोल पारा खोले ना सर उतर के खोल लो पारा फुल दिख रही है ना यहाँ पे आंध्रा में भी यार दबा के बढ़ के है 111 के अपने पास 109 है और भी बढ़ के छे कर्नाटक में कम में बोले तो यहाँ से 111 के थे अपन ही डाल लेने का है क्या तुम्हारा गलत मत को समझो बच्चा चाहिए अरे जब से गाड़ी में सता रहे ना मेरे को बच्ची बच्ची बोल के और अगर से गाने गा रहे ना गाने गा रहे सही है जो मेल का आ रहा है ला गाले लेडीज का था मेगु गाओ बोल रहे तरीका है इसलिए शूज उतार दिए इसलिए वो आ रही बाप का नहीं नहीं मेरा शूज कब की कब से मानो अपन खाना खाए जब से उतर आ रहा है अच्छा अच्छा बेकार है यहाँ पे रुके पेट्रोल दला लिए इनके पास कार्ड नहीं है कहते मशीन अब कार्ड से पे करना है पेट्रोल डीजल निकाल लो बोला मैं तो वापस निकाल लो देख लो 2020 का देख के मैं खुद मैं खाता हूँ तुम गाइड करेगा नहीं इसका ना अब मत मांगो रात के 3:30 हो रहे रुके हुए थे यहाँ पे चाय वगैरह पी ली अलहमदिल्ला चाय हो गई अब निकलना है यहाँ से सीधा मैसूर मैसूर को पहुँचे तक सुबह होती भाई ये व्लॉग में क्या है बोले तो रास्ते वो गाने आने लगा लेके चल रहे कॉपीराइट आया था बोल के ज़्यादा नहीं बना रहे मगर बहुत इन्जॉयमेंट हो रहा है अलहमदिल्ला क्या कुलाला कैसा इन्जॉय कर रहे हैं आप बहुत मज़ा आ रही ना चलिए अब यहाँ से फिर निकलना है निकल के सीधा
रुकना है मेरे को ऐसा फोकस क्यों कर रहा है जाने का अरे भाई निकले जब से 25 बार चले गया क्या करूं मैं मजबूर हूं अरे ड्राइवर कहां है भाई ड्राइवर हम आ जा रहे ड्राइवर नहीं आ रहा है बेकार ड्राइवर मिला हमको वो ड्राइवर ना लड़ ले रहे इधर जा तू उधर जा मैं इधर उधर ये करना तो बोले ना दमदम हो जा रहा है भाई ड्राइवर को जी नहीं बोल सकते ड्राइवर का मसला अलग चल रहा पेशाब आ रहा ड्राइवर को लेकिन यह करना अनकंफर्टेबल है ड्राइवर आगे पेट्रोल पंप पे रुक के साफ सुथरे तरीके से करेंगे इंशाल्लाह जरा चांद से पर्दा कीजिए गाना लगा रहा हूँ सुनिए ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम है भाई रुकना रुकना अरे रे रे अरे ला गए पीछे झाड़ पे झाड़का ने मार दिए कितनी गलत बात है मैं तो कितने झाड़ों पे मारा की अब तक कहीं झाड़ नहीं उठने वाला है वो कोई झाड़ नहीं छोड़ा मैं पूरी छाप छोड़ लेता है वहाँ से यहाँ तक मुस्तफा का दिल मार ले रहा मालूम तुम तेलुगु गाना लगा है फलाना लगा अच्छा दिखता भाई बच्चा वहाँ पर अकेला बैठा हुआ है हमला बोर हो रहा बोर हो रहा जब से वेट बोर रहा भाई बोर हो रहा बोर हो रहा बोर हो रहा बोर हूँ जब से अजीब गाने लगा रहे पागल है ना जान दे लाइट ले ऐसा बोला अभी ने आगे क्या करा तेलुगु गाना लगा के नाचे हम ला बोलते समीर तू चला लेना रे गाड़ी का अच्छा दिखता मैंने उसको आना है यहाँ पे देखिए हम लोग कहाँ पर है ये बैंगलोर से सिर्फ 100 किलोमीटर है और यहाँ पे किया का बहुत बड़ा प्लांट है जो किया मैन्युफैक्चरिंग होता है यहाँ पे किया के गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है यहाँ पे ना बड़ा है भाई एक 5-6 किलोमीटर दूर तक खाली है आराम से एम्बुलेंस करता है इतना बड़ा है जी एम्बुलेंस भी अपना कैसा पुलिसचौकी वाले भी एम्बुलेंस से बोलते एम्बुलेंस में रहते बोलते गाड़ियाँ कचरों के ऐसा रखे हुए हैं वहाँ पे पूरा इतना बड़ा प्लांट है ये मतलब मैन्युफैक्चर होता है यहाँ पे किया गया गाड़ियाँ बहुत बड़ा है आप जहाँ तक देख लेते जाएंगे कोरोना मिनिमम 5-6 किलोमीटर खाली यही है आपको यहाँ से लेके किया के शिफ्ट चेंज होते रहते हैं जैसा मॉर्निंग शिफ्ट रहती है इवनिंग हाँ वैसा रहता है मगर और साफ सफाई भी बहुत चंद्रा बाबू नायडू लास और एक मैं वो रील में देखा यहाँ से हर गाड़ी सप्लाई होती है यहाँ से पूरा यहाँ पे इंडिया में कहीं भी लेके जाओ यहाँ से जाती है वहाँ से स्पेयर पार्ट आते हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है ऐसा रहता मैन्युफैक्चर यूनिट है मतलब ये यहाँ ने रुका रहा नहीं रुके अपन खत्म मुस्तफा मार लिया मैं मार लिया चलो अच्छा लाइट मार दे के आगे टोल गेट को कैसा अच्छा करे समीर भाई ये नेक्स्ट टाइम भी गालियां दे रहे तू बब्बू फैसल की गालियां दे रहा हूँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनो बीबी के मरीज है इनो पैर बचाने तो अभी बैंगलोर इंटर हुए सुबह के 5:45 हो रहे बैंगलोर इंटर हुए हम लोग ये देखिए बैंगलोर का टोल गेट यहाँ से अभी मैसूर हमको 173 किलोमीटर्स बता रहा जो कि है अप्रॉक्स एक कितने 3-4 आवर्स का 3-4 आवर्स की जर्नी है अगर यहाँ से हमको ट्रैफिक नहीं मिली तो चलो देखते वहाँ से फिर मैसूर फिरेंगे या नहीं फिरेंगे देखेंगे उसके बाद सीधा ऊटी में मज़े करना है भाई मैसूर वैसूर से पहले बहुत फिर लिए पूरा फिर गया खाली गाड़ियों में फिरे अब जाके सुकून से स्टे करके निकल के ऊटी पूरा फिरना है देखो बेहतरीन यहाँ से ब्लॉग है ज़बरदस्त आने वाले हैं देखते रहो आप लोग चलो बैंगलोर तो पार करते मिलते रहेंगे आपसे सामने देखिए गाड़ी हमारी फास्ट एलिवेटर्स तो यहाँ पर हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हुए हैं पूरी टीम बैठी हुई है यहाँ पर समीर आखो पूरी टीम है यहाँ पर बैठे हुए नाश्ता करते हैं नाश्ता करके निकलते हैं होटल का प्रोग्राम
ये देखिए जबरदस्त ट्रेन वाजाना होटल उसके अंदर कुछ सलाद भी है। अब यहाँ से निकल रहे हम लोग सीधा यहाँ से मैसूर जाने वाले। मैसूर में देखिए आप लोग वहाँ पर मैसूर पैलेस फिरना है क्या है, रात भर चलाए हुए गाड़ी थके हुए है, लगा भी हमारा भी नहीं सोए, कोई भी नहीं सोए, अरे लेडीज में भी सोएंगे लेकिन हमारा कोई भी नहीं सोए। तो अब जाना है वहाँ पे मैसूर में, कोई सो सकता है क्या भाई? ऑडियंस प्लीज कमेंट में कैसा दिख रहा है। यहाँ से सीधा हम लोग वहाँ पे जाते मैसूर में जाके देखते क्या करना है। पैलेस फिर तो खेलते पैलेस, वहाँ से सीधा फिर ऊटी, ऊटी जाना बल्कि पहले मैं ऊटी ऊटी बल्कि है भाई, पहले गए एक दिन रहे कुछ नहीं यहाँ ऊटी जाना भाई। अरे सर कैसा है बोले तो पैलेस में आप टाइम वेस्ट करना है मतलब चार पाँच बजे तक आप कैसा रहता बोले तो वहाँ पे चार पाँच बजे तक मणिपुर पैलेस में भाई जी आप जाएंगे अपन अगर इनके जल्दी चले गए अपन मैसूर पहुँच गए अपन टारगेट देखिए 12 बजे तक मैसूर में अगर रहे आप तो आपको देखना जरूरी है पैलेस क्योंकि तुम लोग देखो तुम लोग साथ में हम ना जाते यार भाई मैम। होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, एंजॉय लाइक करो सब्सक्राइब करो शेयर करो और अगले वीडियो के साथ बने रहो। पहले उठा था फिर भी मैं 8 o'clock उठ के सुबह पहले ऑफिस को गया था सुबह सुबह माशाल्लाह। असली क्या है कहीं को क्या कर रहे थे हमारे।